तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आगे चल के भी बढ़िया रहना। तो आज मेरे पास फ्री फायर कमिटी की बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट है, जिसमें हम बात करेंगे क्या टोटल गेमिंग श्री वाई टू को स्ट्राइक देने वाले हैं। एंड आपको बताओ कि ये गेमर हर एक गेम को खेलता है, बट देसी गेमर माइनक्राफ्ट एंड जीटीए 5 गेम को क्यों नहीं खेलते हैं। एंड इसके साथ ही और भी फ्री फायर कमिटी की बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। हाँ, वीडियो देखने के बाद एक कमेंट कर देना यार, क्योंकि ये वीडियो आप लोग कैसी लगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कमेंट को देख के। एंड इससे छोड़ो एंड चलिए बढ़ते अपनी पहली अपडेट की तरफ, बात करते हैं बॉस ऑफिशियल के बारे में। तो गाइस, बॉस ऑफिशियल ने अपने चैनल पे वीडियो डाली है ज्ञान वर्सेस राइस्टा ब्रेकअप करके। एंड आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आपको पता होगा ज्ञान गेमिंग ने सनपीट टेबल को प्रमोट किया था एंड वो हैकर निकला। एंड बाद में एक बार और ज्ञान गेमिंग ने करबंदे को प्रमोट किया जो कि राइस्टा वर्सेस कर रहा था एंड वो भी हैकर निकला। वैसे मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहते हो देख लेना। जाना पड़ेगा, बट अभी देखने मत चले जाओ, पहले इस वीडियो को पूरा देख लो एंड उसके बाद देखना। एंड मजाक को छोड़ो एंड बात कर ली इस वीडियो के बारे में, तो आप ऐसे बहुत सारे बंदों को नहीं पता कि आखिर ये वीडियो कब की है एंड कब ऐसा कांड हुआ था। तो आपको पता है कि 4 महीने पुरानी न्यूज है, आज से करीब 4 महीने पहले ऐसा हुआ था। एंड आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो मैंने इस चीज को पहले भी कवर कर रखा है, तो अब आप लोगों को पता चल गया हो कि ये मैटर कब की है, मतलब 4 महीने पहले की न्यूज है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, बात करते हैं तोंडे गेमर के बारे में। तो तोंडे गेमर ने बताया कि जब उनके चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो अपने चैनल के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो जी हाँ, उन्होंने बोला कि अपने चैनल पर बहुत ही कम वीडियो डालेंगे। एंड वैसे ये बात मैं आप लोगों को उन्हीं के मुंह से सुनवा देता हूँ। मिलियन के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है दोस्तों, और 10 मिलियन जैसे हो जाएगा कंटेंट कम आएंगे, बट बहुत क्वालिटी टाइप के कंटेंट आएंगे। उसे अभी भी अच्छे वीडियोस होते हैं, बट उस टाइम बहुत ज्यादा मेहनत से वीडियो बनेगा, और ज्यादा अभी भी मेहनत बहुत ज्यादा करता हूँ, बट अभी ना ज्यादा वीडियो डालते हैं अपन लोग, तो ज्यादा वीडियो की जगह कम वीडियोज रहेंगे। ऑब्वियसली कम वीडियोज रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो अंतर देखने को। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, बात करते हैं देसी गेमर के बारे में। तो कल जब ये लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो वहीं पे उन्होंने बताया कि उनको माइनक्राफ्ट खेलना काफी ज्यादा ही पसंद है, एंड साथ ही वो माइनक्राफ्ट की वीडियो भी डालना चाहते हैं, एंड वो माइनक्राफ्ट की वीडियो भी डालना चाहते हैं, बट वो कुछ कारण से वीडियो नहीं डालते हैं। एंड वो कारण क्या है आप लोग उन्हीं के मुंह से सुन लो। माइनक्राफ्ट खेलो, मुझे ना ऐसे एसएमपी वगैरह होता है ना तो मजा आता है, सिंगल प्लेयर में ना मैं थोड़ा, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों को ढंग से एंटरटेन नहीं करा पाता सिंगल प्लेयर में। तो हम लोगों ने एसएमपी इंट्रोड्यूस किया था, बट हमारे एसएमपी के लॉन्डो लाइक वो लोग पता नहीं अपना वीडियो भी नहीं डालते हैं, तो थोड़े वो लोग ना लाइक आलसी भी है मुझे ऐसा लगता है, वो बस ख्वाब देखते हैं बड़े बड़े और मेहनत नहीं करते, वीडियो नहीं बनाते, तो इसीलिए एसएमपी टूट गया। और मेरे टीममेट जो मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं वो यार ऐसे माइनक्राफ्ट पसंद नहीं करते, किसी को भी इतना पसंद नहीं करता, वरना आई विल डेफिनेटली डू समथिंग, वरना मैं जरूर करना चाहता था, मुझे माइनक्राफ्ट अच्छा लगता है, बट थोड़ा किस्मत ही साथ नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ, वरना मैं जरूर करता। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, अपन बात करते हैं रॉकी एंड आरडीएक्स के बारे में। तो रॉकी भाई के चैनल पे क्लासेस का टूर्नामेंट हो रहा था एंड वहीं पे डैडी कॉलिंग एंड अंकुश सेवा की टीम खेल रही थी, बट एक राउंड खेलने के बाद अंकुश सेवा की टीम गेम को बैक कर देती है, जिसके बाद रॉकी एंड आरडीएक्स थोड़ा सा काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं अंकुश सेवा की टीम पे, एंड उस समय काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। मैं आप लोग उस वीडियो का पार्ट प्ले करता हूँ, आप लोग देख लो। अब चारों बॉट हैं, ये बिना पूछे क्यों बैक कर रहे हैं राउंड भाई, ये बिना पूछे बैक कर दे रहे हैं राउंड भाई, ये कैसी बदतमीजी है भाई। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद दिस थिंग। फिर रावण भाई बंदे पूछते हैं नए लोगों को मौके क्यों नहीं देते, एएफएफ की स्लॉट से अंकुश भाई क्योंकि आज खुद अवेलेबल नहीं थे तो अपनी ये जो एक सीएस की टीम है उसको भेजा, अब ये इनका तरीका है। अब रावण भाई पीसी क्लाइंट में बैक कैसे होगा, ये टाइम खोटी करते हैं ये लोग यार। मैंने बोल दिया मैंने भाई उसको, रोहित भाई को सबको मार देना। No, I'm highly disappointed. I won't welcome this team once again. मैं literally live stream पे बोल रहा हूँ। ये कोई मजाक नहीं चलता है जो ये करते हैं ये लोग। अपने मर्जी से back कर देते हैं, अपने मर्जी से आते हैं। What is this thing? इस बात को मैं complain जरूर करूँगा अंकुश से कि ये भाई ये बदतमीजी मेरे बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है भाई। उनको तमीज नहीं है खेलने की बोलने की। They should have a sense of responsibility. गेम में एंट्री किया है वहां पे एक बंदे का बैक हो गया, तीनों बंदे बिना पूछे बिना कुछ सोचे समझे बैक कर दे रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, बात करते हैं रोमियो गेमर के बारे में। एंड गाइस, रोमियो गेमर का अपडेट ये है कि उनका हो गया है बाइक एक्सीडेंट। वैसे मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक पहले ही वीडियो बना रखी थी, बट पता नहीं बहन चोद यूट्यूब का क्या नियम है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उस मतलब वीडियो में व्यू ही नहीं आते भाई, इंस्पिरेशन ही नहीं भेजता यूट्यूब। एंड जो लौंडे फालतू की न्यूज एंड भाई कॉपी वीडियो बनाते हैं उस पर 10,000-15,000 व्यू
मतलब बहनचोद किस्मत ही खराब है। एंड इस चीज को यहीं पे हटाओ एंड बात करते हैं रोमियो गेमर के बारे में, तो उनको थोड़ी सी चोट आई है एंड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि उनको कहां कहां चोट आई है। मैं आप लोगों को स्टोरी प्ले करके दिखाता हूं। दोस्तों चड्डी फट गई है भाई साहब, हालत खराब हो गई भाई, गंदी लग गई। प्रभु पता नहीं है पैर की शायद ये बोन थोड़ी क्रैक हो गई है कि डिसलोकेट हुआ है, कुछ नहीं पता अभी। हाथ वाथ तो भी लग गई, सिर्फ स्ट्रीट डॉग को बचाने के चक्कर में ये हो जाता। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, बात करते हैं टोटल गेमिंग एंड स्लेव आईटी के बारे में। तो क्या टोटल गेमिंग स्लेव आईटी को स्ट्राइक मारने वाले हैं? तो जब टोटल गेमिंग कुछ टाइम पहले लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो वहीं पे उन्होंने बताया कि वो इसी साल अपना फेस रिवील करने वाले हैं। एंड आपको बताओ कि टोटल गेमिंग के फेस रिवील से रिलेटेड स्लेव आईटी बहुत सारे न्यूज कवर कर चुके हैं, तो इसी से रिलेटेड टोटल गेमिंग ने स्लेव आईटी को क्या बोला आप लोग खुद ही सुन लो एंड समझ लो। अभी भाई हर बार वो देगा ना, बंदा बंदा करना पड़ेगा यार, क्योंकि ये एक ही चीज है कि भाई इस साल करूंगा तो कितनी बार मतलब वो भी करेगा। बंदे पूरा स्क्वाड है। एंड गाइज आज के लिए बस इतना ही। एंड हाँ, अभी तक आप लोगों ने इंस्टा फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा का लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, मैं वहाँ पे हर एक रिप्लाई करता हूँ, तो मेरे से बात कर सकते हो। एंड अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं है तो एक लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड चलो मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय टाटा, लव यू ऑल।